हेलो एवरीवन, सो हल्दी सेरेमनी तो बहुत अच्छे से गई गाइस, और हल्दी सेरेमनी चूड़ा सेरेमनी दोनों हो गई है। बट इतने ज्यादा थक चुके हैं हम लोग ना, और तब भी जाने के बाद सब लोग 2 बजे गए, उसके बाद भी हम लोगों को इतने काम, सारा कुछ लेके जाओ, ये वो सब इतनी चीजें थी। तो मम्मी ने तो ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं, मैंने कहा चलो मैं ये जाते मैं ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। मम्मी तो बस रेडी होना स्टार्ट हो ही गया, एंड मेकअप आर्टिस्ट जो हमने करवाया है वो देविशा है, मेरी फ्रेंड जो लास्ट टाइम जिन्होंने एंगेजमेंट मेकअप किया था, बहुत ही प्यारा मेकअप किया था। मेरे को पता है अभी तक वो लोग बोलते कि उसमें ना बिल्कुल डॉल लुक आया था, बहुत अच्छा लुक आया था। तो मैंने कहा उससे ब्राइडल आज तो मेन इवेंट है, तो अभी मम्मी का हो रहा है गाइस, उसके बाद मेरा होगा, क्योंकि मम्मी को तो पहले ही मतलब होना चाहिए ना रेडी, सबको जैसे ग्रीट करना, सबको वेलकम करना, सब मम्मी का वर्क रहेगा। बारात आएगी तब जाके मेरा नंबर आएगा, और मेरे को नहीं लग रहा अभी उन लोगों की बारात आने वाली है, बिकॉज अभी तक उन लोगों की अभी तो घड़ा घरोली हो रही है, हो गई होगी है ना अब तक तो, बट फिर भी टाइम लगेगा मेरे को पता ही है, वो लोग वैसे थोड़ा लेट कर ही देंगे, लड़के वाले हमेशा लेट करते ही करते हैं। तो अभी बस जल्दी से रेडी वेडी होते हैं, उसके बाद आपको साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। गाइज मम्मी तो अभी रेडी हो रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ा ना ऊपर का मैं बता रही थी, सुबह 11 ग्रैंड पे है फंक्शन, तो एंट्री मैंने कहा अभी थोड़ा सा एंट्री दिखा देती हूँ, बिकॉज अभी तो पूरा का पूरा हॉल ही खाली है, अभी तो लाइट्स ही ऑफ है, बट अभी पूरी की पूरी लाइट्स ऑफ है, बाद में आपको दिखाऊंगी। फिर मम्मी आपका तो मेकअप बहुत टाइम पे हो गया और बहुत सुंदर, आइज बंद करना, और एकदम टाइम पे हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, एकदम सटल मेकअप भी हुआ है, और पूरा मतलब अच्छा लुक भी आ रहा है आपका ना, बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। थैंक यू सो मच देविशा, देविशा की तो हैंड, हाँ जी बस इनके तो हैंड्स, वैसे भी आपके हैंड्स मैजिकल ही है, बहुत प्यारा किया। लेंस ग्रे वाले ना, ग्रेज ब्लूइश आ रहे हैं, ऐसे ग्रे आ रहे हैं, हाँ ग्रे आ रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। सो अब थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद अपना हेयर डू वगैरह करवा लो। मम्मी आपका तो सही मेकअप हो गया, गाइस अच्छा लग रहा है। ये रहा मम्मी का फुल लुक। सो जो मम्मी का आउटफिट है वो है शगुन वार्डरोब से, सो मैं उनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। वैसे तो हमने दिखाया ही था, वेडिंग ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी है, कल वाला भी मेरा जो गाउन था उनके साइड से था, और बाकी जो मेकअप है मेकअप तो देविशा से ही है, और मेरा भी। हाँ आप ही का बता रही हूँ मम्मी, ज्वेलरी जो है वो प्रिंस भैया की शॉप से है, दिखाना मम्मी पास से दिखाना, रुको देखिए गाइस बहुत सुंदर ज्वेलरी है। हमें कहीं से समझ ही नहीं आती, और वहाँ जाते हैं ना हमें 2 बार में समझ आ जाती है, और प्रिंस भैया से कंफ्यूजन ही रहती है। नहीं सब कुछ सही है, उनका है कि एक तो रेट भी सही है, सब कुछ सही है, और वैरायटी भी बहुत है। आप भी जाओ ऊपर, पापा आ गए, ऊपर फोटोशूट पूरा सोलो कपल सब करवा लो, सारा करवाऊंगी, ठीक है टाइम पे होना, ये लो फिर तेरे को देखने भी आऊंगी, ठीक है। मैं तो हो गई रेडी, और मैं ऊपर आ गई हूँ, मैंने कहा जब तक थोड़ा सा फोटोशूट वगैरह करवाती हूँ, और पूजा अभी हो रही है, पूजा को एक घंटा और लगेगा लगभग, अभी तो कोई भी नहीं आया, हम ही आया बस, हमारे घर के जल्दी आए हैं, ये हमने कहा हम टाइम से पहुँच जाए, तो सवा सात आए ना तुम, 7:20 तक ये लोग पहुँच चुके हैं, और अभी हमारा तो फर्ज बनता है हम टाइम से आए, मैं होस्ट कर रहे हैं तो टाइम से आना चाहिए, पूरी दिखाओ पीछे हो गए, बाकी जो जब आएंगे ये देखिए, अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हैं बिल्कुल, ठीक है चलो। सेकंड फ्लोर में मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, बोलो। तो यहाँ सबसे पहले जो आते ही अंदर काउंटर है, ड्रिंक्स का है, ड्रिंक्स हाँ, शेक वेक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और वाटर बॉटल, आगे देखो क्या है। और दही बल्ले, और दही बल्ले का, और टिक्की है साथ में, गोलगप्पे, दही बल्ले, और टिक्की है, टिक्की हाँ, चिला भी नहीं, चिला चिला हाँ, और यहाँ पर है चिला पनीर चिला, हाँ यहाँ पनीर चिला है, और ये देखिए किसका है, वो खाली, अच्छा वो भी खाली है, सेंटर में है कॉफी, कॉफी की लगी हुई है यहाँ पर सेंटर में, और उसके साथ ही सूप है, सूप सूप अच्छा,
बहुत सुंदर लग रही है पूजा। तो ये है पूजा की फ्रेंड बचपन की। हाँ देखो ये भी आई है। हाँ तो वही पूजा के यही खड़े हैं नीचे। हाँ प्यारी लग रही है। हाँ ये पूजा पूजा का आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। हाँ पूजा बहुत पूजा की ड्रेस देखिए बहुत सुंदर लग रही है। तो नैन्सी भी आ गई है रेडियो के बिल्कुल। हेलो। ऐसे लग रहा है नई नवेली दुल्हन लग रही है। नई नवेली दुल्हन आ गई है। और दीदी देखो दीदी का आउटफिट बहुत सुंदर लग रहा है। दीदी बहुत अच्छे लग रहे हो। और ये कंचन का कंचन भी बहुत प्यारी लग रही है। क्या हाल है? हाँ मम्मी नहीं आए? अच्छा और चाची कह रहा है आ रहे हैं। अच्छा और चल बेटा खा पीना का देखियो। चीना बहुत सुंदर लग रही है। चीना का लहंगा देखो बहुत सुंदर और कलर भी बहुत चीना पे सूट कर रहा है। हेलो गाइस। हेलो हेलो दादू कैसा है? मम्मी कहाँ है? मम्मा हो रही ठीक है। गाइस बारात नीचे आ चुकी है। बस ऊपर आने वाली है थोड़ी देर में। अभी पता चला है कि नीचे आ चुकी है। अब हम भी सोच बस अब मिलने का होगा प्रोग्राम शुरू। वो भी मैं आपको सारी दिखाती हूँ। पाँच दस मिनट लगेगा अभी। यहीं से होगा ना? यहीं से। नीचे तो कोई नहीं जा रहा ना? ऊपर ही आ रहे हैं सारे। अच्छा हमने कहा ऊपर ही करते हैं। नीचे भी खाना तो ऊपर ही है। मेन एंट्री पे होगा ऊपर तक आते हैं और आगे आपको पूरा दिखाता हूँ। नीचे मिल लिया होगा ना तू तो? हाँ ऊपर अलग बात होती है। दोनों आगे खड़ा हो ना दोनों ने। हाँ एक लाख एक कुछ नहीं देंगे कुछ नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं मिलेगा। ना।
ये हम अभी पूजा से मिलने आए हैं, तुझे तैयार हो गई? मैं तो कब से तैयार हूँ, मेरे को ये क्या बोल रहा है? कोई मिले ना मिले, पीयू जरूर मिलती है वहाँ पे। और दीदी बढ़िया तो बोर हो गई।